तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि आप किस प्रकार से कंप्यूटर में जो है या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन का जो पैटर्न हो, पासवर्ड हो, या फिर आप किसी भी तरह का लॉक लगा कर रखे हो, उसे आप किस प्रकार से तोड़ सकते हो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको देर न करते हुए इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस प्रकार से है जो लॉक को आसानी से अनलॉक कर सकते हो मोबाइल या कुछ में भी। दोस्तों, मैं आपको अभी लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मेरे पास एक ही फ़ोन है दोस्तों जिसमें मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो मैं इसी फ़ोन से कर रहा हूँ। तो मैं फ़ोन को तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर आपको जो मेरा कंप्यूटर में है वो मैं आपको सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से किया जाता है। फ़ोन में खास काम नहीं है दोस्तों, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से है। दोस्तों, आप तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या पीसी को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद जो आपको सबसे पहले आपको रिफ्रेश कर लेना अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपके पास है। रिफ्रेश करने के बाद जो है दोस्तों, आप अगर आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो है विंडो 7 है या फिर विंडो 10 के साथ कुछ भी है, तो आपका जो विंडो 7 से लेकर 10 तक का सारा प्रोसेस काम करेगा। तब इसमें आप टेंशन नहीं लीजिए कि मेरा विंडोज 7 है तो काम करेगा कि नहीं, आपका सारा काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए लगातार, तभी आपको समझ में आएगा। तो रिफ्रेश करने के बाद जो है दोस्तों, आपको क्या करना है, करना ये है कि यहाँ पर आप जाइए अपने सर्च बार में, स्टार्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे की को, यहाँ पर जो है इसमें क्लिक कीजिए, जाके क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आप देख सकते हैं सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स में जाइए। यहाँ पर सर्च बार में, यहाँ पर आपको सर्च करना है CMD को सर्च करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखते, देखिए आप लगातार वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर रुकिए, मैं आपको फोकस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं CMD, इसी प्रकार से CMD जैसे आप लिखोगे, उसके बाद आपको इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसे मैं रुकिए बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, सॉरी दोस्तों ये बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पे CMD लिखने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। जैसे मैंने यहाँ फोकस कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ पर आपको कुछ टाइप करना है। तो आपको क्या टाइप करना है दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना ये है, अनलॉक अनलॉक द मोबाइल, आपको लिखना है अनलॉक द मोबाइल विदाउट एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट। क्या लिखना है दोस्तों, फिर से आप सुन लीजिए एक बार, जिसे मैं वहाँ पर लिखने वाला भी हूँ, आप देख लीजिएगा। अनलॉक द मोबाइल विदाउट एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट, ये इसको यहाँ हम जो है लिखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको लिखने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ टाइप कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अनलॉक द मोबाइल विदाउट एनी द ऑफ फॉर्मेट। जैसे कि आप फिर सुन लीजिए, अनलॉक द मोबाइल विदाउट एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट। और दोस्तों, आप किसी प्रकार से गलती करते हो तो आपका जो फ़ोन का जो फॉर्मेट हो सकता है, सारा डाटा गायब हो सकता है। मेरा इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि इसे आप ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप अनजादी जो भी कर लीजिएगा, फिर इसके बाद दिक्कत ही दिक्कत है आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इंटर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लिक करके इसके बाद जो है हमें इंटर क्लिक कर देना है। इंटर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है C.\user&pc। तो हमें यहाँ पर लिखना है दोस्तों, यहाँ हमें बोल रहा है कि एक कैपिटल लेटर में लिखना है हमें, तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें फिर से उसी को जो है हमें रिपीट कर देना है। जैसे कि हमें फिर से लिखना है अनलॉक, फिर से हमें लिखना है दोस्तों अनलॉक अनलॉक द अनलॉक द मोबाइल। आप लोगों को जो दोस्तों इसे आराम से लिखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
जैसे मैंने लिखा अनलॉक द मोबाइल विदाउट विदाउट लिखना है दोस्तों, WITHOUT विदाउट एनी, विदाउट एनी टाइप TYPE एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट। लिखने के बाद जो है दोस्तों आपका क्या करना है, यहाँ पर जो है इंटर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर इंटर पर क्लिक करोगे, जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो है इंटर पर क्लिक करता हूँ। इंटर दबाने के बाद जो देखिए दोस्तों मेरा जो है सारा प्रोसेस हो गया है। उसके बाद आपके फ़ोन में जाना है, फ़ोन में जाने के बाद पावर बटन को प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद जो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप प्रेस करके रखोगे तो आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलेगा रीबूट का ऑप्शन। दोस्तों आपका कोई भी फ़ोन है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दबा कर रखें तो रीबूट का ऑप्शन मिलेगा आपको। रीबूट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ मतलब रीस्टार्ट होने के पोजीशन में हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद जो है दोस्तों आपका फ़ोन कुछ देर में खुद ही खुल जाएगा। उसके बाद जो है वो अनलॉक हो चुका होगा, आप देखिएगा तो आपको अनलॉक हो चुका हुआ मिलेगा विदाउट एनी फॉर्मेट। आपके फ़ोन जो है विद जो है लॉक स्क्रीन टूट चुका होगा। तो दोस्तों यही मैं आज के वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था कि आप किस प्रकार से बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह की एक नए वीडियो के साथ। तो आपको अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि